ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। जैसा कि आपको पता है कि आजकल शुगर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, साथ में और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वायरल फीवर वगैरह भी या सर्दी जुकाम, हमारे घर में एक मसाला होता है जिसको हम तेज पत्ता बोलते हैं, यानी औषधि एक होता है जिसको तेज पत्ता बोलते हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो तेज पत्ता आपको हमेशा ताज़ा मिले? आप इसे चाय में भी डाल सकते हैं, खुशबू आएगी। और हमारे उत्तराखंड के, मुझे याद नहीं रहा मैं किस सेमिनार में गया था, तो हमारे एक वैज्ञानिक थे जो फॉरेस्ट के वैज्ञानिक होते हैं, उन्होंने बताया कि अगर उत्तराखंड का हम तेज पत्ता यूज करते हैं तो शुगर भी ख़त्म हो सकता है, यानी उसको करते रहे तो नहीं हुआ। देखिए, तेज पत्ता का बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। और ये देखेंगे मेरे पास ये एक 1.5 साल का पौधा है, मैं इसको अलग थोड़ा निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पॉलीथिन में ही है ऐसी, और तब भी काफ़ी बड़ा हो गया, और देखिए कितने पत्ते हैं। तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि इसे अपने गमले में घर में लगा सकते हैं। और ये देखेंगे इसमें ये शायद ये फ्लावर्स भी आ रहे हैं, और ये नए पत्ते आएंगे इस बार। हाँ, इसमें नए पत्ते हैं, फ्लावर्स भी आते हैं, इतने छोटे पेड़ में ही आ जाते हैं। और ये पहाड़ों में तो बहुत लगे होते हैं, पूरा नैनीताल एरिया में ये तेज़पत्ता बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और लोग इसकी खेती कर रहे हैं मांग को देखते हुए। और जो दालचीनी काम करता है उसका पत्ते भी यही काम करते हैं, तेज़पत्ता की ही किस्म होती है दालचीनी, उसकी छाल को हम यूज करते हैं जो इंडिया में होती है। बाकी जो बाहर से आती है उसको मैं नहीं कह सकता, श्रीलंका से उसे नहीं देखा है। जैसा मैंने पहले वीडियो में देखिए, दालचीनी का पौधा है और ये तेज़पत्ता है, ये जो लंबे पत्ते में ऐसा बोला गया है, कहा जाता है, मुझे जो बताया गया कि दालचीनी भी यही होता है, तेज़पत्ता भी यही होता है, लोगों को भ्रम बहुत रहता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझसे पौधों की डिमांड पिछले साल बहुत लोग कर रहे थे, तो मैंने एक नर्सरी से संपर्क कराया, तो ये तेज पत्ते के पौधे आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे, और इसे हम कुरियर के द्वारा भेज देंगे, क्योंकि छोटे पौधे हैं तो आराम से चले जाते हैं, बड़े तो टूट फूट जाते हैं। तो कॉस्टिंग भी, पैकेजिंग का और डिलीवरी का कुरियर चार्ज ज़्यादा आता है। तो हमने कुछ पौधे लिए हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, तेज पत्ता आप घर में लगा सकते हैं, एक बच भी लगा सकते हैं। ये मैं कुछ पौधे तैयार कर रहा हूँ, बाकी तो सब ले गए दोस्त या जो भी प्रकृति प्रेमी लोग हैं, बच है। ये कुछ पौधे हमारे घरों में होने चाहिए जो खुशबू भी देते हैं और साथ में औषधि गुण भी रखते हैं, साथ में इनकी जड़ों का यूज भी हो सकता है, किसी का पत्ते का, किसी का कुछ रूप में औषधि में, मतलब कहने का मतलब कि औषधीय पौधे आप घर में लगाइए। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता जी।